अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वेलकम टू जायदाद ओपन डॉट पी के। बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला हमें इंटरव्यू देने के लिए। सर आज का टॉपिक है रिंग रोड, आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि ओवरसीज और लोकल जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे उन सबको पता चले कि हु आर यू एंड आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक्स अ लॉट टू jaidaad.com जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि रिंग रोड के ऊपर जो इतना ह्यूज इशू है उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ उनको उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर सकूं, या आपके जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग रिंग रोड। जाहिर सी बात है अगर आप लोग रिंग रोड के ऊपर एक इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपका ज़ाहिर आपने सारा एक वर्कआउट किया, अपना होमवर्क सारा कंप्लीट किया आपने उसके ऊपर। तो जी अब अगर जहाँ तक मेरी बात है कि हु एम आई, देन माई नेम इज़ चौधरी नदीम जुताना एंड आई एम representing Jutana Associates which is on commercial main commercial zone of Berria Town Sector C and I'm you can say I'm working as a managing director. I will not claim myself as a CEO because the picture behind me I cannot because unke alawa main kuch nahi, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आज मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने कुछ सोचा तो मुझे यहाँ पे बनाया और मैं यहाँ पे आज यहाँ पे एक बैठ के एक टीम को लीड कर रहा हूँ। तो जहाँ तक रिंग रोड का सवाल है तो वहाँ तक मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का अच्छी तरह से आंसर्स भी कर सकूँ और जो प्रॉब्लम्स हैं आपके माइंड में या इन्वेस्टर्स के माइंड में या ओवरसीज के माइंड में या यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के माइंड में, तो वो मैं जितनी हद तक हो सकता है वो उसको मैं क्लियर करूँ। ठीक, अब या तो आप मेरे से सवाल कर लें जी, तो या मैं खुद रिव्यू कर देता हूँ आपको, आप पहले मेरे से सवाल कर लें आपका क्या। अच्छा जो क्वेश्चन पहला ये माइंड में आता है कि रिंग रोड है क्या और बहरिया से कहाँ से गुजर रहा है, मतलब कौन सी ऐसी जगह जहाँ से ये रिंग रोड गुजर रहा है। और देखें जी फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग रोड इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों, एक इतना ह्यूज प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर हमारी लाहौर की टोटल पॉपुलेशन ने रिलाई करना, जिसके ऊपर हमारी ओवरसीज के जो लोग हैं जिनका असल आने का जरिया क्या है, बाय एयर एयरपोर्ट। तो जब ये लाहौर के हर हिस्से को कनेक्ट कर रही है एयरपोर्ट के साथ तो इसको फिर हम अपना प्रॉब्लम क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि लोग इसको प्रॉब्लम क्यों समझते हैं, एक इतनी बड़ी हाइप क्यों क्रिएट कर दी है कि जी रिंग रोड आ रहा है, रिंग रोड आ रहा है, र्यूमर्स चल रहे हैं 2-3 साल से रिंग रोड आ रहा है। प्रॉब्लम किन के लिए है? सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ बीच में आ रही जी। इस टाइम पे मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो नहीं बताता आपको, मैं सिर्फ बैरियर टाउन के सिनेरियो पे रखता हूँ, क्योंकि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो पे जाएंगे तो एक बहुत ह्यूज सिनेरियो है, उसके ऊपर शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके ऊपर एक बड़ी डिस्कशन कर सकें। अगर हम बैरियर टाउन के ऊपर आते हैं तो बैरियर टाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैरियर टाउन से गुजर किस जगह से रही है, पहला सवाल आपका ये। तो एक होती है, एक होता है वाइडर इमेज, वो तो पता चल जाता है इस जगह से जा रहे हैं, तो मैं आपको बता भी देता हूँ किस किस जगह से गुजर रहे हैं। लेकिन जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों के प्लॉट्स बीच में आ रहे हैं, जिन लोगों के घर बीच में आ रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपने रियल स्टेट एजेंट्स कॉन्टेक्ट करें और उनसे बैरियर टाउन का ऑफिशियल मैप लें। जो ऑफिशियल मैप है रिंग रोड का, एग्जैक्ट किस लोकेशन से गुजर रही है रिंग रोड, ताकि उनको पता चले क्या बीच उनके प्लॉट्स बीच में आ रहे हैं या उनके करीब से गुजर रही है। अब मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मुल्तान रोड और किनाल, सबसे पहला ब्लॉक है
डबल ई ब्लॉक, उसको ओवरसीज ब्लॉक भी कहते हैं, वो ओवरसीज एक्सटेंशन कहलाती है एग्जैक्टली. उसमें जो किनाल का पोर्शन है वो तो टोटली सेफ है. जो लोग मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, जिन लोगों के सामने मैप पढ़ा हो वो सामने रख के मेरा इंटरव्यू सुनेंगे तो उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा उनके प्लॉट्स के बारे में. डबल ई ब्लॉक में जो ओवरसीज एक्सटेंशन का ब्लॉक है उसमें एक पार्क है, ट्रायंगुलर पार्क. ट्रायंगुलर पार्क टोटली रिंग रोड के बीच में आ रहा है, यानी कि ओवरसीज एक्सटेंशन का जो लोअर पोर्शन है, एंड पोर्शन है, उसमें से गुजर रही है रिंग रोड. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरसीज एक्सटेंशन का एंड का पोर्शन. फिर हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट ब्लॉक बीच में आता है, नेक्स्ट ब्लॉक आता है तलहा ब्लॉक, जो पिछले 6-8 महीने पहले उसकी बैरियर टाउन ने अनाउंसमेंट की थी, उसकी न्यू लॉन्चिंग है. उसका जो अपर पोर्शन है वो मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि ओवरसीज एक्सटेंशन के साथ जो उसका पार्क, पहला पार्क है, उधर से कट कर रही है तलहा ब्लॉक को टूवर्ड्स सेक्टर सी मेन बुलेवार्ड टूवर्ड जामिया मॉस्क. वो कट करती हुई जाती है जेनेपर में. जेनेपर में जो रोज़ गार्डन है, रोज़ गार्डन का लोअर पोर्शन काटती हुई जाती है इकबाल ब्लॉक में. इकबाल ब्लॉक को सेंटर से काटते हुए ये जाती है जो मेन कमर्शियल एरिया है, सेक्टर ई बनता है वो जो जामिया मॉस्क है. उसके बाद जो नेक्स्ट कमर्शियल्स हैं वो कोई 10-12 कमर्शियल्स हैं. पहली पट्टी में इसी तरह 8-10 कमर्शियल, दूसरी पट्टी वो जो पहली दो पट्टियां हैं, जो पहले दो पोर्शंस हैं कमर्शियल्स के, उनको सेंटर से काटती है. उनको सेंटर से काटती हुई ये एंटर होती है रफ़ी ब्लॉक में. रफ़ी ब्लॉक का कुछ पोर्शन जो बिल्कुल उन कमर्शियल्स के सामने है उनको कट करती है रफ़ी ब्लॉक को. रफ़ी ब्लॉक को कट करते हुए थोड़ा सा वो टर्न लेती है टूवर्ड्स ट्यूलिप एक्सटेंशन. ट्यूलिप एक्सटेंशन के ब्लॉक्स को काटते हुए वो एंटर होती है नरगिस में. नरगिस का जो लोअर पोर्शन है जो कि कनेक्टेड है जो किनाल का पोर्शन है गोल्फ का, उसके साथ जो कनेक्टेड पोर्शन है, उस पोर्शन को कट करते हुए किनाल के पोर्शंस जो गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया के हैं, जो कि मेजर प्रोजेक्ट है बैरियर का, उसको कट करते हुए सारा पूरा जो गोल्फ है इन लेंथ टूवर्ड्स रेवन रोड, उसको कट करते हुए बिल्कुल अगर आप टूवर्ड्स रेवन रोड जा रहे हैं मेन बुलेवार्ड से, गोल्फ की मेन बुलेवार्ड से टूवर्ड रेवन रोड, तो जो मेन बुलेवार्ड जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे गेट है गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया का रेवन रोड के ऊपर. रायबन इधर से जाते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर वो 10 मरले की कुछ जो नॉर्दर्न जोन है गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया का, उसको काटती है और काटती हुई ये रायबन रोड पर चली जाती है एंड देन ऑनवर्ड्स टू अड्डा प्लॉट एंड लेक सिटी फजाइया, उनके दरमियान से कट करती है. इन दोनों के एंडिंग पॉइंट्स फर्स्ट जोन सा होगा जो नया फेज बन रहा है अड्डा प्लॉट. अड्डा प्लॉट से नेक्स्ट फेज कहाँ पे ये उतरेगा? ये जो रिंग रोड का सदरन लूप है, ये अगर आप एग्जैक्ट इसको स्टार्ट करना चाहें कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इसको, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये कोई फेज़ 5 DHA स्टार्ट हो, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये जाती है स्ट्रेट टूवर्ड मुल्तान रोड. मुल्तान रोड को टच करती है बैरियर, इसका लास्ट फेज है. बैरियर को कट करके ये मुल्तान रोड को ज्वाइन करेगी. अब उसके ऊपर ये है कि जो रिसेंट न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो असल अप्रूव हुआ हुआ इसका जो पोर्शन है वो फ्रॉम DHA फेज 5 एंड इट इज़ एंडिंग ऑन अड्डा प्लॉट. ये कॉन्ट्रैक्ट CM पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया हुआ है. ये प्रोजेक्ट उन्होंने FWO को दिया है बनाने के लिए और इसका बजट पास भी हो गया हुआ है और अप्रूव भी हो गया हुआ है. इट इज़ टोटली क्लियर एंड दे हैव टू हैंड ओवर इन 2017. तो ये जो एक कन्फ्यूजन थी माइंड के अंदर, सॉरी
जो कन्फ्यूजन थी एक माइंड के अंदर कि बन रही है या नहीं बन रही, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गई है कि बन रही है। अब कहाँ तक बन रही है, अड्डा प्लॉट तक तो बन रही है, अड्डा प्लॉट से लेके फेज फाइव तक बन रही है 2017 दे हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2017। और ये जो बैरिया का पोर्शन है ये अभी तक बजट अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि वहाँ तक जो एरिया है वो बनता है कोई 22.2 किलोमीटर का टोटल रेडियस बनता है। तो आगे का जो पोर्शन है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, इसका बजट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अल्टीमेटली जाहिर सी बात है हर कोई हर किसी को पता है कि अगर रिंग रोड बननी है तो वहाँ तक तो नहीं बननी, आगे भी आनी, मतलब रिंग रोड का एक रिंग कम्प्लीट होना है ना, अल्टीमेटली अल्टीमेट गोल तो ये है कि रिंग कम्प्लीट करना है। तो वो जो रिंग है वो बैरियर टाउन से क्रॉस किए बगैर वो रिंग कम्प्लीट नहीं होता। तो ये भी कन्फ्यूजन बैरियर टाउन के लोगों को भी अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए कि रिंग रोड नहीं बन रही, अल्टीमेटली रिंग रोड बन रही है। इट्स नॉट फ्यूचर प्रोजेक्ट। जो हमेशा जो टेंडर्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो ज़रूरी नहीं है पूरे प्रोजेक्ट के एक ही किसी इदारे को मिलते हैं, वो हमेशा कोई प्राइवेट इदारा भी हो सकता है। एक एक जो साइड है वो हो सकता है FWO को दे दी हो, और जो नेक्स्ट साइड है वो हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें, लेकिन अल्टीमेटली ये अप्रूव होनी है। जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं उनको चाहिए कि वो एज सून एज पॉसिबल इसके जो मतलब बाद में सोचे इसके बारे में, आज से इसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक, अच्छा तो नदीम साहब आपके मुताबिक रिंग रोड जो बैरिया से पास आउट हो रहा है इट्स अ अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? तो सेकंड आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जिनको भी कंफ्यूजन है वो अपने रियल इस्टेट एजेंट से एडवाइस करें। ठीक, और हम इसी को हम परसू करेंगे कि आपके मुताबिक जो रिंग रोड इधर से गुजर रहा है बैरिया से, वो क्या पॉजिटिव इम्पेक्ट क्रिएट कर रहा है बैरिया टाउन की रियल इस्टेट मार्केट में? देखें, जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी हमेशा अप्रिशिएट करती है। आपकी भी लाइफ गुजर गई, मेरी भी लाइफ गुजर गई, प्रॉपर्टी अल्टीमेटली अप्रिशिएट ही करती है, डेप्रिशिएट नहीं करती। बट हमेशा प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है। अगर आप लाहौर की मार्केट्स देखें तो हर मार्केट अपने एक लेवल से अप्रिशिएट करती है ना, एक लेवल से थोड़ी होती है, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप। अब सबसे पहली बात यह है कि वो स्टेप्स क्या हैं प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन के, प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन के पॉइंट्स जो हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी रोड्स हैं, उसमें रोड भी आती है आपकी, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें आपकी फैसिलिटीज आती हैं, ठीक है, उसमें आपकी डेवलपमेंट आती है, उसमें आपका एनवायरनमेंट आता है, उसमें आपकी पॉपुलेशन आती है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिल के अप्रिशिएट करते हैं प्रॉपर्टी को, कोई एक रीज़न नहीं होती कभी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करने की। हर जब भी कोई अप्रिसिएशन होती है तो वो एक स्टेप ऊपर होती है, फिर जब नेक्स्ट स्टेप आता है फिर वो अप्रिशिएट करती है। हमेशा आपने भी देखा है, एक जगह रोड बन गई, प्रॉपर्टी 2-3 लाख बढ़ गई, एक जगह पे लाइट आ गई 2-3 लाख बढ़ गई, एक जगह पे स्विगी आ गई पहले नहीं थी अप्रिशिएट कर गई। अब हमारा, मैं आपके पॉइंट के ऊपर आ पाता हूँ कि जो रिंग रोड है वो अगर बैरिया से क्रॉस करती है, बैरिया को कट करती है, तो इसमें कितने लोगों का, आपका क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझाऊँ कि कितने लोगों को फैसिलिटेट करेगी और कितने लोग इसकी इफेक्टिव है? बिल्कुल, इसके प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी और कितना इंक्रीज करेगी इन टर्म ऑफ परसेंटेज? देखेंगे, पहले तो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया एप्रिसिएशन का। अब रिंग रोड आ रही है, रिंग रोड आने का मतलब क्या है? बैरियर टाउन से रिंग रोड गुजर रही है, बैरियर टाउन रिंग रोड आने का मतलब ये है कि यू आर 10-15 minutes अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, राइट? ओके, DHA बैरियर का एक बड़ा कंपेटिटर है। क्यों इतना इन्वेस्टर DHA में है
और शायद उससे 50% इन्वेस्टर बैरियर में है। क्यों उतना बड़ा जाइंट बनता जा रहा है, क्यों बैरियर अभी भी उससे पीछे है? इन टर्म ऑफ इन्वेस्टर बात करूंगा, ठीक, इन टर्म ऑफ एनवायरमेंट बात नहीं करूंगा, इन टर्म ऑफ फैसिलिटीज बात नहीं करूंगा, इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स बैरिया में ऊपर, डीएचए अच्छा। में नीचे। सही। आप खुद विजिट करें डीएचए और फिर मुझे बताएं कि इतनी महंगी और एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है डीएचए की, क्या उसकी फैसिलिटीज बैरिया टाउन को मैच करती हैं? आई डोंट थिंक सो, नहीं करेंगी। अब वहां पे क्यों आ जाता है इन्वेस्टर? इन्वेस्टर कौन होता है? एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन एक इन्वेस्टर है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हेड वो इन्वेस्टर है, कोई लैंडलॉर्ड वो इन्वेस्टर है। ये इन्वेस्टर कहाँ होते हैं? दे आर एवरी टाइम ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो हर वक्त दुनिया के किसी न किसी कोने में होंगे, हर वक्त वो ट्रेवलिंग में होंगे। ट्रेवलिंग होती है थ्रू एयरपोर्ट। लोग क्यों डीएचए में जाते हैं बैरिया नहीं आते? एयरपोर्ट से अप्रोच करीब है। सिर्फ इस एक अप्रोच की वजह से अभी तक डीएचए बैरिया से आगे था। अच्छा। अब अगर अप्रोच एयरपोर्ट की बैरिया से एयरपोर्ट और डीएचए से एयरपोर्ट अगर सेम होगी तो इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन बैरिया। जो अपना पास्ट डीएचए के साथ गुजार चुके हैं वो अपना फ्यूचर बैरियर टाउन को पसंद करेंगे। अब जो लोग फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं वो लोग बैरियर की अवेल करेंगे, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर अवेल करना चाहते हैं वो बैरियर का करेंगे, जो लोग लोड शेडिंग एक मेजर इशू है आपके पाकिस्तान का, जो इससे दूर रहना चाहते हैं वो बैरियर टाउन अवेल करेंगे। तो सिर्फ ये एक ही तो बैरियर था बैरियर टाउन का, सिर्फ ये एक बैरियर था। अगर वो बैरियर आज हट जाता है तो बैरियर टाउन में इन्वेस्टर भी आएगा, बैरियर टाउन में जेन्युइन क्लाइंट भी आएगा, इन्वेस्ट करने वाला भी आएगा, जिसने अपने घर बनाना है, अपनी फैमिली के लिए घर बनाना है वो भी बनाएगा। अब जो आपका कंप्लीट सवाल था वो ये था कि अगर अप्रिशिएट करेगी तो कितना करेगी? एक परसेंटेज होती है हर चीज़ की। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको जाहिर है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊंगा कि अगर 5% लोग इफेक्ट हो रहे हैं तो 95% लोग फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। अच्छा। तो हमें सिर्फ उस 5% के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए ना कि जो उससे इफेक्ट हो रहे हैं, उन 95 के ऊपर को किसने देखना है जो फैसिलिटेट हो रहे हैं? तो एप्रिशिएट तो करेगी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, कितना एप्रिशिएट करेगी? एप्रिशिएट अगर आज यहाँ पे लेट्स सपोज सिर्फ उसकी ये वजह होती है कि यहाँ पे वो सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए जाते हैं, रूरल एरियाज में नहीं कंप्लीट कर दिए, और ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है अप्रोच का, आपको ये हर जगह मिले अप्रोच का, अगर ये अप्रोच बैरियर को मिल जाती है तो इसको 20-30% तो कोई रोक ही नहीं सकता एप्रिसिएशन को। एंड मैं जाहिर सी बात है कुछ चीज़ कंफर्म नहीं कह सकता, हमने अपने एक एवेल्यूएट की होती हैं सारी चीज़ें, उस लिहाज से आपको बताना है। मेरे लिहाज से 2018 का स्टार्ट, आज की डेट आप नोट कर लें, 2018 की जनवरी नोट कर लें, इंशाल्लाह ताला 50% प्राइस इंक्रीज मिलेगी आपको बैरियर टाउन। अच्छा, आपने बात की मेजोरिटीज़ की, जो कि जिनको फ़ायदा हो रहा है रिंग रोड के गुजरने से, उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट कर रही हैं, उनको नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज़? चाहे वो 5% हैं या 10% हैं, लेकिन हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। राइट। तो उनके लिए क्या कंपनसेशन प्लान है गवर्नमेंट की तरफ से या बैरिया की तरफ से, कि उनकी जो वो अफेक्ट हो रहे हैं उसको किस तरह ओवरकम करेंगे? देखें सलमान, 5%
माइनॉरिटीज हैं, बट माइनॉरिटीज आर माइनॉरिटीज। हमारे पाकिस्तान के झंडे में भी माइनॉरिटी है, उसमें भी शायद कुछ लोगों को आज भी नहीं पता कि सफ़ेद रंग किस चीज़ का है। तो सफ़ेद रंग माइनॉरिटीज़ का है, और हमारी जो हमारा जो ब्रॉट अप है वही इस तरह है कि हमने अपने माइनॉरिटीज़ को इग्नोर नहीं करना। हमारे लिए हमारे माइनॉरिटीज़ ही सब कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बताऊंगा, आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैंने आपको उसका आंसर करना, बट सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, मैं उनसे सबसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद जवाब भी खुद दूंगा आपके सवाल का। जिन जिन की प्रॉपर्टीज बीच में आ रही हैं, उनके रियल स्टेट एजेंट्स किधर हैं इस टाइम? हमेशा एक बायर और सेलर के बीच में सिर्फ एक एजेंट ही होता है जो एक ब्रिज बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं ये नहीं कहता, जब स्टेट इन्वॉल्व होती है ना, स्टेट, तो जब हमारी स्टेट इन्वॉल्व है तो इसमें एक जो आम आदमी है वो कुछ नहीं कर सकता स्टेट के फैसले के आगे, बिकॉज स्टेट अगर कुछ कर रही है तो आपको बेनिफिट देने के लिए ही कर रही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रियल स्टेट एजेंट्स को मिलें, उनसे सारी डिटेल्स लें, उनके साथ रेगुलर इन टच रहें। अगर किसी की प्रॉपर्टी आ रही है बीच में तो अपने रियल स्टेट एजेंट्स को टच करें, उनसे पूछें, कंपनसेशंस पूछें। सलमान कभी भी कंपनसेशन ऑन द स्पॉट उसी वक्त अनाउंस नहीं होते, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बैरियर टाउन में बैठा हूँ, मैं बैरियर टाउन का आपको सिनेरियो बताऊंगा। उसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी बीच में आ रही है, जो प्रॉपर्टी बीच में आ रही है, सारी प्रॉपर्टी जो तो टीएमए से अप्रूव्ड एरियाज हैं, टीएमए से अप्रूव्ड एरियाज हैं, जो उनको जो गवर्नमेंट है वो टोटल कंपनसेट करेगी, राइट? ठीक है, चाहे वो घर है चाहे वो प्लॉट है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, दे विल कंपनसेट देम ऑन डीसी रेट्स। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। और डीसी रेट जो अपडेटेड है, डीसी रेट जो अपडेटेड है, ठीक, अपडेटेड डीसी रेट के लिहाज से उनको कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट। जितने भी घर आ रहे हैं, घरों की कंपनसेशन स्टेट लाजमी देगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाजमी देगी। और ये कोई पहली बार नहीं है जो रिंग रोड गुजर रही है, हर जगह से गुजरती है और गवर्नमेंट हर बार देती है कंपनसेशन घर की। जो टीएमए से अप्रूव नहीं है एरिया, उसमें भी अगर घर बना हुआ है तो घर की कंपनसेशन स्टेट देगी। अच्छा, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब जहाँ तक बात आई जो टीएमए से अप्रूव भी नहीं है और हैं भी प्लॉट्स, उसका ये है कि एक कमेटी बना दी गई है बैरियर टाउन की तरफ से, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स बैरियर टाउन मैनेजमेंट के होंगे, कुछ हो, जो कुछ बीच में जो पर्सनल्स हैं वो रियल स्टेट एजेंट्स होंगे, और कुछ उस टीम में जो लोग होंगे वो होंगे फैक्ट्रीज। जो सारे फैक्ट्रीज हैं वो मिलके अपने में से दो से तीन लोग, चार लोग या पांच लोग वो नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट करके वो उस कमेटी के अंदर वो सारे लोग बैठेंगे एंड दे विल टॉक अबाउट द कंपनसेशन ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ द रिंग रोड। मैं आपको फिगर्स इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फिगर्स अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। Till now, अभी तक फिगर्स अनाउंस नहीं हुए, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस शायद हों भी ना। सिर्फ घरों जो घर बीच में आ रहे हैं उनका वो अनाउंस करेंगे,
कि वो कितनी कंपनसेशन दे रहे हैं. जो प्लॉट्स बीच में आ रहे हैं दे विल कंपनसेट ऑन डीसी रेट. और जो बैरियर का है ये एक कमेटी बनेगी. ये कमेटी 22 अगस्त तक टाइम है कमेटी बन के. वो कमेटी जो फैसला करेगी एंड वी आर प्रेइंग दैट दे विल कंपनसेट और इफेक्टिव ऑन द मार्केट रेट्स. मार्केट रेट के ऊपर कंपनसेट किया जाए और उनको प्लॉट की जगह प्लॉट दिया जाए, घर की जगह घर दिया जाए. ये हमारी दुआ है, ये हमारी कोशिश है रियल स्टेट एजेंट्स की. बिकॉज इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टर्स एंड द जेन्युइन क्लाइंट्स दे आर बैकबोन ऑफ दिस रियल स्टेट इंडस्ट्री. वी आर नथिंग इफ देयर इज नो इन्वेस्टर एंड नो क्लाइंट. विदाउट देम वी आर नथिंग. नदीम साहब, आपको बैरिया के साथ काम करते हुए एक अरसा हो गया और काफ़ी आप इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं जो दाना एसोसिएट्स बैरिया की कोई भी रियल स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह होनी हो या कोई भी ट्रेड हो तो आपका नाम जो है बहुत प्रोमिनेंट है. तो आपके मुताबिक, क्योंकि आप कब से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं बैरिया टाउन के साथ, तो आपके मुताबिक बैरिया टाउन किस तरह सिक्योर करेगा अपने इन्वेस्टर्स को जो कि जिन्होंने आप पे ट्रस्ट करके आपके थ्रू इन्वेस्ट किया, और आप उनको किस तरह उनको हेल्प आउट करेंगे जो हमारे ओवरसीज हैं उनके भी कुछ वो भी अफेक्ट हो रहे हैं या जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं और बैरिया टाउन से क्या आपकी उम्मीद है कि वो किस तरह उनको फैसिलिटेट करेंगे? देखिए सलमान, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इतने टाइम से. जुदाना एसोसिएट एज अ रियल स्टेट एजेंसी काम कर रही है बैरिया टाउन के अंदर, इसलिए कर रही है कि वी ट्रस्ट बैरिया. बैरिया इज अ ब्रांड. नदीम साहब, अब हम आ जाते हैं मेजॉरिटी की तरफ या ऐसे लोग जो ओवरसीज हैं या लोकल हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एज़ पर योर ओपिनियन रिंग रोड इज़ अ अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, राइट? तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बैरिया के ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से ब्लॉक्स हैं या कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें तो वो एज़ पर योर प्रडिक्शन उतना वो इंक्रीमेंट दे सकें? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवरऑल बैरिया, अगर हम बैरिया टाउन लाहौर की बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिंग रोड, अगर हम एक ओवरऑल बैरिया की तरफ जाएं तो कराची बैरिया इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, दैट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक ऐसी चीज़ है लो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ROI रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपको अच्छा मिलेगा बैरिया टाउन कराची. तो ये ओवरव्यू मैंने दिया है कि अगर किसी के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ लेना चाहे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ लेना चाहे, तो बैरिया टाउन कराची इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स. अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक जो कि है बैरिया टाउन लाहौर. तो इसमें रिंग रोड की वजह से पहले भी मैंने आपको कहा कि एप्रिसिएशन कन्फर्म आएगी. अगर हम इस बैरिया की बात करते हैं जो मेन बैरिया टाउन लाहौर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेंज है 10 मरले की वो 7 million to 10 million है. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेक्टर एफ, क्योंकि वहाँ पे प्लॉट इस टाइम भी 7 to 8 million के बजट में मिल जाते हैं और रिंग रोड आने की वजह से और एप्रिसिएशन आएगी. अगर दूसरे एरिया में प्लॉट ले लेते हैं तो वहाँ पे जो सेक्टर ए बी और जो सी हैं वो एरियाज़ TMA अप्रूव्ड हैं,
इन्वेस्टर्स को मैं इसलिए वो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इन्वेस्टर्स ने हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को सर्कुलेट करना है, उन्होंने एक जगह बाउंड नहीं रहना। एक जगह उनको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल गया, उन्हें दूसरी जगह चले जाना, दूसरी जगह से रिटर्न मिला उन्हें तीसरी जगह चले जाना। इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू नहीं कह सकते, एक बैरियर है ट्रांसफ़र का। जब आप एक चीज़ ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर है अभी आपको भी पता होगा जो एक टैक्सेस का मामला था वो आया है, उसकी वजह से टैक्सेस काफ़ी इंक्रीज़ कर गए। तो जब आप ट्रांसफ़र कराते हैं तो 10 मरले के प्लॉट में कम से कम आपका 3.5 से 4 लाख रुपया लग जाता है। मैं इसीलिए सेक्टर एफ रिकमेंड करता हूँ या सेक्टर ई के कुछ ब्लॉक रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वहाँ पे टोटल ट्रांसफ़र से ऑलमोस्ट अगर वहाँ पे 3.5 से 4 लाख रुपया ट्रांसफ़र है तो यहाँ पे 1 लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख तक ट्रांसफ़र फीस है। अगर लेट सपोज आप ट्रांसफ़र करा भी लेते हैं तो आपकी जो बाइंग है वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट में नहीं जाती क्योंकि जो असल रिटर्न होता है वो तो वो ट्रांसफ़र में चला जाता है। तो अगर वो ट्रांसफ़र में चला गया तो फिर आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी फॉर 6 मंथ्स, फॉर अ ईयर, फॉर 1.5 ईयर। एप्रिसिएशन इस एरिया में भी आएगी, उस एरिया में भी आएगी, लेकिन ये है कि उस एरिया में एप्रिसिएशन ज़्यादा आने के चांसेस है क्योंकि उसका ऑलरेडी रेट्स डाउन है। अगर मैं एक सिंपल सी हमेशा कैलकुलेशन जो मैं करता हूँ एक रफली, अगर आप 70 लाख का प्लॉट लेके 80 लाख का बेच रहे हैं तो आपको 1 मिलियन का प्रॉफिट है। 7 मिलियन लगा के आप 8 मिलियन का सेल कर दिया, 1 मिलियन इज़ योर प्रॉफिट। अगर आपने 10 मिलियन का प्लॉट लेके 11 मिलियन का सेल कर दिया, अगेन 1 मिलियन इज़ अ प्रॉफिट। व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर लोअर इन्वेस्टमेंट एंड द सेम रिटर्न। मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी कम है, रिटर्न सेम आ रहा है, तो व्हाई नॉट हम एक लोअर साइड पे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलप्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्लॉटिंग नहीं हुई हुई, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ होती है जस्ट पॉपुलेशन एक वजह होती है एप्रिसिएशन की। ये जो ए बी सी सेक्टर है ये इसीलिए इंक्रीज़ कर गए हैं, इनका रेट इसलिए आप पे क्योंकि वहाँ पे घर ज़्यादा बन गए हैं, लोग ज़्यादा रह रहे हैं, अल्टीमेटली उधर भी तो लोगों ने आके रहना है। तो वाई नॉट हम बजाय करोड़ लगाने के क्यों ना 70 लाख रुपया लगा के हम लोग सेम रिटर्न दे दें। वहाँ तो सिर्फ मैं उन लोगों के लिए वो रिकमेंड करूँगा जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं एज सून एज पॉसिबल आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर अ ईयर, वो सेक्टर ए बी सी को कंसिडर करें। इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेक्टर डी ई एफ को कंसिडर करें, जो कह लें बिल्डर हैं, जो कंस्ट्रक्टर हैं, जो कि घर बना के सेल आउट करते हैं जी। उनके लिए भी मैं ए बी सी ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि घर आपने वहाँ पे बनाना है जहाँ पे एज सून एज पॉसिबल आपकी इन्वेस्टमेंट विद योर रिटर्न आपको वापस मिल जाए। इसीलिए ए बी सी फॉर बिल्डर्स, ए बी सी फॉर जनरल क्लाइंट्स एंड सी डी ई एफ दैट इज़ फॉर इन्वेस्टर्स जो कि रिंग रोड की अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम मुस्तफीद होना चाहते हैं, जो रिंग रोड की वजह से मैक्सिमम फ़ायदा। आज भी मैं आपको भी आपके प्लेटफॉर्म से भी एक बात ज़रूर करूँगा इन्वेस्टर्स के लिए कि डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। ठीक, तो आप जो ब्लॉग या सेक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं तो इट्स अ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, राइट? टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है फॉर मोस्ट रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना कि अपना घर बनाना चाह रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी और उनके ऊपर टैक्सेस भी नहीं आएंगे। ये बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी। मैं आपके प्लेटफॉर्म से, जुताना एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ सब उन भाइयों को जिनको ये चीज़ की क्लियरेंस नहीं है उनको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो टैक्स के सेक्टर हैं दैट इज़ ओनली ए बी एंड सी। वहाँ पे आप अगर हम एक एवरेज एक 10 मरले के प्लॉट की हम बात करते हैं
तो उसके ऊपर 3.5 से 4 लाख रुपए आपका खर्चा है 10 मरले पे, और जो आपका सी डी ई एफ है वहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान तक का खर्चा, उससे ज़्यादा एक्सपेंस उसके ऊपर नहीं है, जो कि असल में इन्वेस्टर की इन्वेस्टर का रिटर्न होता है। इट्स अ रिकमेंडेशन फॉर नदीम जुदाना। यस अच्छा, लास्ट ईयर हम ये क्वेश्चन आपसे फीडबैक जानना चाहेंगे कि jaydaad.com.pk क्या अवेयरनेस क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर्स को, या जो भी बहरिया की मार्केट से इंटरेस्टेड हैं, या जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या अवेयरनेस क्रिएट कर रही है रियल स्टेट मार्केट में? देखें, जहाँ तक पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी टू हैव jaydaad.com अटैच्ड विद मी, और काम तो और ही बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ क्या है, नॉट जस्ट प्रोफेशनली, एक प्रोफेशन तो है ही है, वो आपने करना है, सब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और आपके बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त इस मार्केट में आके काम कर रहे हैं। असल चीज़ है अपने प्रोफेशन के साथ साथ, अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसी को यूज़ करके आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, जो मार्केट की प्रॉब्लम्स हैं वो सामने लेके आए, लोगों को उन प्रॉब्लम्स की नो हाउ होनी चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म से अगर कुछ लोग फैसिलिटेट होते हैं, कुछ लोग बेनिफिट्स लेते हैं, तो अल्टीमेटली बेनिफिट वो आपको ही मिलता है। अब जहाँ तक अभी तक की बात है, jaydaad.com ने जो ये एक सीरीज स्टार्ट की है फ्रॉम डे वन, के आप कुछ लोगों के साथ इन टच होके, इंटरव्यूज़ लेके, वीडियो कॉल्स या वॉइस मैसेजेस या आपका पोर्टल या रिटर्न मैसेजेस, आप सब से कुछ ना कुछ व्यूज़ लेके आप अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं। ये वो इश्यूज़ हैं, मैंने आपका प्रोग्राम पढ़ा है, सुना है उसके ऊपर, फजीलुर रहमान फ्रॉम PMS प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस, अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है। और जो टैक्स की अवेयरनेस है, टैक्स की अवेयरनेस मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक नॉर्मल जो लेमैन है, एक आम आदमी, उसको नहीं पता टैक्सेस क्या है, उसको इतना पता है कि मैंने प्लॉट ले लिया, मैंने प्लॉट रख लिया, दैट्स इट। अब उस प्लॉट के ऊपर उसको कितना टैक्स पड़ रहा है, कब उसको आपने परचेज करना है, कब उसको आपने सेल करना है, उसको सेल करने पे कितने एक्सपेंस हैं, फिर उसको परचेज करने पे कितने एक्सपेंस हैं, सारी चीज़ें उस आपके एक इंटरव्यू, अगर वो आपका कोई एक इंटरव्यू सुनता है जो फजीलुर रहमान साहब ने आपके साथ इंटरव्यू किया है, उसमें सारी क्लियरेंस हो जाती है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि एक बंदे ने अगर चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है, उसके ऊपर उसने खर्चा कितना करना है, इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, साथ खर्चा भी है, वो कितना करना है, तो वो अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट की। वो एक अच्छा सेशन था आपका jaydaad.com का। फिर आज अगर आप रिंग रोड पे मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं, तो आई होप सो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि मैं आपके jaydaad.com के प्लेटफॉर्म से मैं जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके साथ शेयर करूँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, और एज सून एज पॉसिबल जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो आके हमारे साथ शेयर कर सकें। आई एम हेयर, जुताना एसोसिएट्स इज हेयर ऑलवेज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, फॉर ऑल द क्लाइंट, फॉर ऑल माई ब्रदर्स जो ओवरसीज हैं, जो लोकल हैं, उनके लिए आप उनके लिए एक ब्रिज बन रहे हैं हमारे तक पहुँचने का, कि आप अगर उनमें ये प्रॉब्लम उनके सामने ला रहे हैं तो उनको पता चल रहा है। आम पब्लिक को नहीं पता कि रिंग रोड का प्रॉब्लम है, आम पब्लिक को नहीं पता कि टैक्स का प्रॉब्लम है। ये आप लोगों का बहुत अच्छा स्टेप है कि एक jaydaad.com के प्लेटफॉर्म से आप वीडियो शेयरिंग के साथ आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। लोग शायद पाकिस्तान आने से भी हिचकिचाते हैं,
तो आपकी वीडियोस से कम उनको ये तो पता चल रहा है कि अगर उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है तो उसकी उनकी प्रॉपर्टी कहाँ लाए कर रही है, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो ये आपका बहुत अच्छा स्टेप है और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा इस स्टेप के लिहाज से कि आप इसको कैरी ऑन रखें। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इसको डे बाई डे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, लोगों में अवेयरनेस लाएं और इस तरह के स्टेप्स भी लें जो आप जो आपके लिए पॉसिबल हैं, ताकि आप हम भी ब्रिज बनते हैं, लेकिन अब आप उन लोगों में और हम में एक ब्रिज बन रहे हैं, तो आप एक स्मूथ एनवायरनमेंट लेके आए ताकि उससे लोग बेनिफिट ले सकें। तो ये अवेयरनेस का जो ये प्रोसेस है ये यहीं पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम आपका नंबर आपकी वीडियो पे दबाएंगे तो आप बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर आप हमें परमिशन देते हैं कि लोग आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकें। एनी टाइम माय ऑफिस इज हेयर फॉर द सर्विसेज, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एवरीवन। और अगर आपके प्लेटफॉर्म से अगर मेरे से कोई कॉन्टेक्ट करता है, कोई मेरे से किसी किस्म की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता है, चाहे वो रिंग रोड है, चाहे वो कोई भी इशू है रिगार्डिंग बहरिया टाउन, अगर हम बहरिया टाउन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिगार्डिंग बहरिया टाउन वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एज अ जनरल क्लाइंट अपने घर बनाने के लिए या किसी भी हवाले से कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए किसी तरह से भी मेरे से या मेरी पूरी टीम जुताना एसोसिएट की पूरी टीम के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट करना चाहे, यू आर ऑलवेज वेलकम, दे आर ऑलवेज वेलकम। एंड बल्कि मैं उन सबको कहूँगा कि जाहिर है आप मेरा एड्रेस भी देंगे, जुताना एसोसिएट्स सेक्टर सी मेन बुलेवार्ड, दे कैन कॉल मी, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन ई मेल मी, दे कैन पर्सनली विजिट मी, एंड वी आर और डोर आर ओपन फ्रॉम दैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।